أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students, welcome in third lecture of physics. Dear students, type of motion का topic हमारा complete हो चुका है. उम्मीद है आप लोगों ने वो अच्छे से तैयार कर लिया होगा. तो जो आज का हमारा topic है वो है scalars and vector quantities. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखना होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं. तो इस टॉपिक को रीड करने से पहले, समझने से पहले, हमने ये देखना होगा कि स्केलर क्वांटिटी कहते किसे हैं. तो प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी हम कहते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड दी गई हो, क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड दी गई हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. और मैग्नीट्यूड हम कहते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. तो न्यूमेरिकल वैल्यू अब हम किसे कहते हैं, जिस तरह से कोई वैल्यू है 3.5, 40, 50, 1.7, 1.9, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़. और इसके साथ कोई ना कोई यूनिट होगा, जिस तरह से किलोग्राम होता है, टाइम हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये वाले जो यूनिट्स हैं ये भी इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ होंगे. तो टॉपिक का अब हम स्टार्ट करते हैं. अपनी बुक्स पर आप लोग देखें तो इस टॉपिक में स्टार्टिंग है कि स्केलर क्वांटिटीज की, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. कि इस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी. और इस मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं कि ये कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. और न्यूमेरिकल वैल्यू हम किसे कहते हैं, जैसे ये लिखी हुई है 2.5 किलोग्राम, 40 सेकंड, 1.8 मीटर, ये हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये हैं इसके एग्जाम्पल. तो जो मैस है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. अगर कोई बंदा हमें कहे कि एक किलो चीनी ले आए, उस एक किलो चीनी के अंदर उसकी जो होगी क्वांटिटी वो मैस के अंदर है 1 kg. अब ये तो उसने नहीं बोला कि एक किलो चीनी आप शुमाल से जनूब की तरफ लेकर जाएं. तो इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है कि एक किलो चीनी लेकर आए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड शामिल है, उसकी डायरेक्शन शामिल नहीं है. अब जैसे ये लेंथ है, तो लेंथ में क्या कह सकते हैं कि 2 meter, 3 meter, 4 meter, तो हम क्या कहते हैं बेसिकली कि ये वाला जो हमारा राड है, ये इसकी जो लेंथ है वो 4 meter लेंथ है. हम ये तो नहीं कहते कि इस राड की लेंथ 4 meter है फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे तो हम नहीं बोलते. तो इसलिए इसमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होगी जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में होगी, जैसे ये गिवन है. ये इसकी डेफिनेशन है. A scalar quantity is described completely by its magnitude. के इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या गिवन होगी, मैग्नीट्यूड गिवन होगी. नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा, जिस तरह से इसके नाम से वाजे हो रहा है, वेक्टर, वेक्टर मीन कोई ना कोई हमें डायरेक्शन दी गई होगी, मीन के इसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी. अब डायरेक्शन में अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी शामिल हैं एग्जांपल्स, एक विलास्टी होगी. विलास्टी जिस तरह से हम कहते हैं कि आपने फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जाना है 40 meter per second की विलास्टी से, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी वैक्टर क्वान्टिटी है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर हम फ़र्क देखें, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस तरह से फ्राम, अगर ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और डिस्टेंस हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें कोई शॉर्ट वाली बात नहीं होती. इसके बाद फोर्स है, जैसे हम कहते हैं कि आपने फोर्स लगानी है,
तो फोर्स हम किसी एक सीमत में लगाते हैं, एक डायरेक्शन में लगाते हैं, तो जो डायरेक्शन होगी वो किस चीज़ को डिनोट कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी को। ये मोमेंटम हो गया, टार्क हो गया, जी हैं इसकी एग्जांपल्स। और इसमें और स्केलर क्वांटिटी में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, इसमें इसकी डायरेक्शन भी होगी, ये देखें डायरेक्शन भी, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसकी डेफिनेशन में क्या है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन नहीं था, इसमें डायरेक्शन होगा। और इसकी एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्राम रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस, द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्राम रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। कि अगर हमें कोई भी किसी भी प्लेस पे जाना हो और हमें उसकी डायरेक्शन का पता ना हो, तो हम उस प्लेस को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे जब तक हमें कोई ख़ास रेफरेंस पॉइंट या लोकेशन ना दी गई हो। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमें डिफरेंस दिया गया है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का। तो अगर हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना होगा, उनकी डेफिनेशन लिखनी होगी एंड देन उनकी एग्जाम्पल देनी होगी। अब ये है हमारे पास डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटीज की। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड स्केलर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की एंड ये वेक्टर क्वांटिटी की। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। नेक्स्ट भी इसमें डिफरेंस दिया गया है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे आप लोग के सामने हैं। एक है हमारे पास कार गिवन है और दूसरे में कोई क्लॉक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि कार मूव कर रही है, इसकी स्पीड को वो बता रहे हैं। अब स्पीड का उन्होंने लिखा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड को उन्होंने स्केलर क्वांटिटी क्यों लिखा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि जो स्पीड होती है, स्पीड हम कहते हैं कि ये क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड में अगर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इधर वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल है वेट की। तो वेट को उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी कैसे कहा है कि इस क्लॉक के ऊपर ये जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि ये अब जो इस एप्पल का वेट है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो जो इसकी डायरेक्शन बन रही है वो क्या बन रही है, डाउनवर्ड। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इस एप्पल का जो वेट है अगर वो है कुछ भी है, हम कह सकते हैं कि 1 पाव हो गया या कुछ भी, तो वो जो है वो रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है टू डाउनवर्ड। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, एक उसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई और एक उसकी डायरेक्शन भी आ गई। सो हम क्या कहते हैं कि जो वेट है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास पोजीशन। तो पोजीशन हम कहते हैं किसी जगह या पॉइंट का किसी मखसूस मकाम या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सिमत, इस जगह की पोजीशन कहलाती है। लाइक द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट विच रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब ये हमें एग्जांपल में दिया गया है, ये है एच पॉइंट और ये है एस पॉइंट। एच मीन हाउस एंड एस मीन स्कूल। तो ये होम हो गया या हाउस हो गया और ये स्कूल। तो इस पॉइंट से एस पॉइंट तक जो आप लोगों का ये फासला है, इसको हम बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप लोग मूव करते फ्रॉम एस पॉइंट टू इस रूट पे, देन इस पे, देन इस पे एंड देन यहाँ, तो ये आप लोगों का होता डिस्टेंस। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में
ये shortest distance होता है और ये दूसरा shortest distance नहीं होता, ये हम next lecture में detail में पढ़ेंगे। और हमारा next topic भी यही है, distance and displacement, ये next lecture इंशाल्लाह उसमें हम detail में पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक के जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे उनमें जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्केलर क्वांटिटी डिफाइन एंड देन डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों के डेफिनेशंस आ सकती हैं आप लोग के पेपर में, या फिर आ सकता है कि कोई से भी तीन एग्जांपल्स दें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की, या फिर आप लोग ये बताएं कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है सॉरी ये जो स्पीड है स्पीड को हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं या नहीं। और इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय ओरिजिन। तो इसमें जो एक लॉजिकल क्वेश्चन है वो यही है, इस स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने खुद भी गौर करना है और बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है या नहीं। तो इसके जो हिंट हैं वो ये हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो फिर आप लोगों ने देखना है कि ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, स्केलर क्वांटिटी स्पीड। तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इसका आंसर क्या है, नो। Thanks, dear students.